सोचो हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, 15.2 स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इसमें थ्योरम्स है कुछ, वो आप देख लीजिए बहुत अच्छे से और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल होता क्या है? ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जो एक पूरे सर्कल के अंदर बंद है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, कोई भी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और आपको पता है कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि भाई अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये चीज तो हमें पहले से ही पता थी, है ना, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है। पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल उसके इंस्क्राइब्ड है। इसी के बेसिस पे हम एक थ्योरम देखते हैं आज, थ्योरम 15.6। राइट, 15.6 हम थ्योरम देखने वाले हैं। वो क्या कहता है, 15.6 कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, देखिए ये कह रहा है कि भाई जो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के बराबर, और ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी ये भी 180 के बराबर। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। बेसिकली ये थ्योरम कहता है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। अपोजिट एंगल्स का जो सम होने वाला है वो 180 डिग्री होने वाला है क्वाड्रिलेटरल का। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, मतलब साइकिल के अंदर एक साइकिल कह रहा हूँ मैं, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो ये तो हमने अभी अभी प्रूफ, ये तो हमें पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, पर मुझे इसको अभी प्रूफ भी करना है। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, और लेट सपोज कर लो कि ये लाइन नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करूंगा, पहले कंस्ट्रक्ट लाइन करूंगा, ठीक है, ज्वाइन करूंगा लाइन ओडी एंड ओबी। ठीक है, तो ये ओडी और ओबी मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अब आपको पता है, अब मैं यहाँ से इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब आपको पता है कि भाई ये जो डी ओ बी, ठीक है, तो एंगल डी ओ बी जो इंटीरियर वाला है, आई एन लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल सी होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके 2 गुना होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, दिस इज माई इक्वेशन 1। अब मैं ये वाला ऊपर वाला लूंगा जो एक्सटीरियर है, तो एंगल डी ओ बी एक्सटीरियर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सटीरियर, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 टाइम्स द एंगल ए के बराबर, दिस इज माई इक्वेशन 2, बिल्कुल सही है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी ओ बी, ठीक है, इंटीरियर वाला प्लस एंगल डी ओ बी एक्सटीरियर वाला, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ 2 एंगल C प्लस 2 एंगल A। ठीक है, और इन दोनों को देखो यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा 360 नहीं होगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 360 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 कॉमन ले लेता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल ए, और 2 से ये काटूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्या बात है, तो एंगल सी प्लस एंगल ए मेरे बच्चों कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए मैं एक को, बिल्कुल एक तो मेरा प्रूव हो चुका है, अब मुझे सेकंड वाला भी प्रूव करना है। तो हमें पता है कि भाई इन इन सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 होता है, बिल्कुल होता है। और फ्रॉम अबव ये इक्वेशन थर्ड है, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो एंगल सी और एंगल ए, एंगल सी और एंगल ए की जगह मैं 180 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब बस मैं जो कुछ नहीं करना, ये 180 मैं इधर शिफ्ट करूंगा राइट हैंड में,
तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाने वाला है 360 माइनस 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी मैंने प्रूफ कर दिया है 180 डिग्री। क्या बात है, और यही मुझे प्रूफ करना था। देखो तो देखो, ये हमने बड़े प्यार से प्रूफ कर दिया, और अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट, उसके सम का अपोज जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। कभी कभी हो जाता है यार। चलो ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट वाला थ्योरम पढ़ते हैं।